नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पहेली और उनके लापता होने का रहस्य। महास्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस बड़े रहस्यमय व्यक्ति थे। उनमें अपने जीवन काल में एक संप्रभु भारत को देखने का उत्साह और जुनून था। वे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में शुमार थे और नेताजी कहलाए, मगर उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझन का विषय रही। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी थर्ड डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो उस समय जापान के कब्जे में था। रात 9 से 10 बजे के बीच निधन से पहले बोस कोमा में चले गए थे। आज उनकी जयंती है। द्वितीय विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट सह पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा सिदेई ने दावा किया कि जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिदेई और बोस डेरेन के रास्ते में थे, जहां बोस को USSR के वार्ताकारों के साथ राजनीतिक चरण के बारे में बात करनी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए आजाद हिंद फौज INA का नियंत्रण सोवियत संघ को सौंपना था। सिदेई को बोस के लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में काम करना था। घायल या मृत बोस की कोई तस्वीर नहीं ली गई और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन्हीं वजहों से INA ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका निधन हो गया। बोस के कई समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों दोनों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसे साजिश बताते हुए कहा गया, बोस के निधन के कुछ घंटों के भीतर कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। नेताजी के बारे में कुछ मिथक आज भी कायम है। बोस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीब उर रहमान, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में उनके साथ थे, वे बच गए। उन्होंने एक दशक बाद बोस के निधन पर गठित एक जांच आयोग में गवाही। कहा जाता है कि बोस की अस्थियां टोक्यो के रेंको जी मंदिर में रखी हुई हैं। 1940 के बाद से जब वे कलकत्ता में हाउस अरेस्ट से बच गए थे, तो उनके ठिकाने के बारे में अफवाहें बढ़ी। 1941 में जब वे जर्मनी में दिखाई दिए, तो उनके और उनकी व्यस्तताओं के बारे में तरह तरह की अटकलें रहीं। उनको लेकर अटकलों और रहस्यों का सिलसिला विमान हादसे के बाद भी जारी रहा। विमान हादसे के बाद भी लंबे समय तक उनके जिंदा रहने की अफवाहें रहकर उड़ती रहीं। 1950 के दशक में कहानियां सामने आने लगी कि बोस तपस्वी बन गए थे। इतिहासकार लियोनार्ड ए गॉर्डन ने 1960 के दशक में इसे मिथक बताया था। हालांकि बोस के कुछ सहयोगियों ने सुभाषवादी जनता का गठन किया, जो इस कथा को बढ़ावा देने वाला एक संगठन था कि बोस उत्तर बंगाल के शॉलमारी स्थित एक अभयारण्य में चले गए थे। कुछ रिपोर्ट स्पष्ट रूप से नेताजी की मृत्यु को स्थापित करती हैं। कहा गया कि मित्सुबिशी के 21 बमर्शक विमान, जिस पर यह सवार थे, ताइपे में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारत सरकार ने अब तक नेताजी की मृत्यु लापता होने की 3 जांच करवाई है। केवल पहले 2 ने निष्कर्ष निकाला कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ताइहोकू के एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, और यह भी टोक्यो में रेंकोन जी मंदिर में नश्वर अवशेष उनके हैं। वे इस प्रकार हैं।